सागर जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया है कि कोरोना काल में स्कूल बंद है, ऐसे में अब जिले के सभी निजी स्कूल संचालक आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक सहायता के लिए सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज दिया जाए, साथ ही सत्र 2019-20 तक आरटीई फीस का भुगतान शीघ्र हो और निजी स्कूलों की मान्यता आगामी 5 वर्ष तक बढ़ाई जाए। जब तक स्कूलों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक बैंकों को किस्त ना लेने के आदेश हों और स्कूलों के बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, वाहन टैक्स, इंश्योरेंस माफ किए जाए। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। हमारी आरटीई की फीस प्रतिपूर्ति जो है अब तक नहीं हो पा रही है, तो इसलिए जो है हम लोग आए हैं और पहले भी पूर्व में हम लोग जो है शासन प्रशासन तथा कार्यालयों से मांग करते रहे हैं कि हमारी राशि जो है समय से मिल जानी चाहिए। आरटीई के कानून में यह निहित है कि एक जो वर्ष में जिसमें बच्चा पढ़ता है उसी वर्ष में हमको राशि मिल जानी चाहिए, लेकिन 3-3 साल की राशियां जो हैं वो जो है अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इस वजह से सर आप देख रहे हैं कि स्कूल भी बंद हैं और अभिभावक भी फीस जमा नहीं कर रहे हैं। इस कोरोना काल में आरटी ही हमारे लिए, आरटी की राशि फीस प्रतिपूर्ति हमारे लिए एक सहारा है, संचालकों के लिए, उन संचालकों के लिए एक ये जीवनदायिनी है जिनके लिए ये जो है अभी जो है कोई भी फीस प्राप्त नहीं हो रही, तो किस तरीके से लोग जो है अपना जीवन यापन या अपने शिक्षकों को तनख्वाह दे पाएंगे, ये बड़ा गंभीरता का विषय है, इसलिए हम इस मांग को लेकर आए। क्या शासकीय शालाओं के संचालक मेरे पास आए हैं सभी लोग, उन्होंने ये बताया कि कोविड-19 के कारण हमारी संस्थाएं बंद हैं और उनके लिए 17-18, 18-19 या 19-20 में जो आरटी की राशि प्रदाय की जाती है, तो मैं उनके संबंध में बात की है तो मैंने कहा कि हमारी 18-19 तक की अधिकांश 80% राशि जारी की गई है, 19-20 के लिए अभी पोर्टल चालू हुआ है, तो उसकी राशि हम यहाँ से अविलंब उनके लिए प्रदाय कर देंगे। दूसरा उन्होंने दिया है कि हमारी शालाओं की मान्यता भी 5 वर्षों तक के लिए हमारी मान्यता दी जाए, तो ये शासन से संबंधित है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे आरएसके के लिए, तो वो मान करते हैं तो अच्छी बात है। और दूसरा उन्होंने मांगा है कि हमारे अभिभावकों से ये यहाँ से पत्र जारी किया जाए कि ट्यूशन फीस अभिभावक शासकीय शालाओं में जमा करें, जिससे उनके जो वॉलंटियर उनको मानदेय प्रदाय किया जाए, तो हम इस प्रकार का एक जो हमारे गाइडलाइन है कोर्ट की, उसके संदर्भ में हम यहाँ से आदेश जारी करेंगे कि अभिभावक जो है चाहे मतलब विद्यालय में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनकी ट्यूशन फीस वहाँ पर जमा करने का प्रावधान है। सर शुभ नाम क्या है? मेरा आरसी मिश्रा, ABC जिला सचिव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।